सबका जी गुरुजी में मेरा नाम वर्षा है और मैं एक बार फिर से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन लेकर के। सबसे पहले थोड़ा सा एनडीए एग्जाम के बारे में जानेंगे। तो ये आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम होता है। यहाँ पर एडमिशन पाने के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है, जिसमें आपके दो स्टेज होते हैं, जिसमें आपका स्टेज वन होता है जो कि मैथमेटिक्स का होता है और स्टेज टू होता है जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी जितने आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आते हैं। इसकी एक प्रॉपर लिस्ट आपको दे दी जाएगी, तो ये सब्जेक्ट्स आपके इसमें आते हैं। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका 4 to 5 days का इंटरव्यू होता है, जो कि SSB इंटरव्यू भी कहलाता है। आपने बहुत नाम सुना होगा SSB इंटरव्यू का, तो ये SSB इंटरव्यू भी कहलाता है। इसमें आपके दो स्टेज होते हैं, स्टेज वन और स्टेज टू। स्टेज वन आपका जो होता है इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप क्वालिफाई कर गए तो आप स्टेज टू में पहुंचोगे, और स्टेज टू में डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके। इसमें भी कई सारे लेवल हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। ये क्लियर करने के बाद आपका एनडीए अकेडमी में आपका एडमिशन हो जाता है। तो अब बात करें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, आपने जान लिया अच्छे से, लेकिन इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है उसके बारे में भी प्लीज ध्यान रखिए। इसमें आपका 33% का नेगेटिव मार्किंग होता है। यानी सपोज आपका कोई भी एक क्वेश्चन करेक्ट है तो उसके लिए आपको 1 marks, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, उसके लिए आपको 1 marks मिलते हैं। और अगर आपका वो आंसर गलत है तो आपका वो 1 mark तो गया ही गया, साथ में आपका 0.33 marks उसमें से डिडक्ट भी किया जाएगा, यानी -0.33 हो जाएगा। तो आपका ये -1.33 का नुकसान है। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन 4 marks का होता है और एक क्वेश्चन 2.5 marks का होता है आपके स्टेजेस वाइज, और उस हिसाब से आपके 33% की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्लीज इस चीज को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर नहीं आता तो उसे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपका 0.33 तो होगा ही होगा, प्लस जो मिलने वाला था वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले एक बार आप इस लिस्ट की तरफ देख लीजिए। हमने सभी इंस्टीट्यूट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें हमने सभी इंस्टीट्यूट को रैंकिंग वाइज जाना है। उस एक ही वीडियो में हमने सभी टॉप के इंस्टीट्यूट्स के बारे में इन शॉर्ट डिस्कशन किया है, और वो एक डिटेल्ड वीडियो है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके पहले आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट मौजूद है, और हर इंस्टीट्यूट के बारे में इन डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो इन सभी वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन पेजेस को विजिट कर सकते हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पूरे के पूरे इंडिया के फेमस, बहुत ही नामी जगह मुंबई की इन्फॉर्मेशन लेकर के। मुंबई में भी आज हम भांडुप की बात कर रहे हैं। भांडुप में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स, सभी तरीके की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो हम उन लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो भांडुप में एनडीए की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो एनडीए की प्रिपरेशंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिदीप इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव कैरियर्स की। अभिदीप इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव कैरियर्स पूरे के पूरे इंडिया का बहुत ही नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और ये नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भांडुप में मौजूद है। और भांडुप में ये रैंक नंबर 2 पर आता है एनडीए की प्रिपरेशन करवाने के लिए, यानी सेकेंड रैंक का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले गाइडेंस दी जाएगी, समझाया जाएगा कि किस तरीके का इसका पेपर पैटर्न होता है, क्या इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, या किस स्ट्रैटेजी के साथ आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। साथ के साथ आपको एनालाइज भी किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर पेपर को क्लियर करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, यानी
आपका जो टैलेंट है उसे चेक किया जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में आपके लिए आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और किस स्ट्रैटेजी के साथ आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर हर तरीके से बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपको अलग से यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा अच्छा है क्यों। तो इस इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हो, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हो। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे लिए शुक्रिया आपका। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।